भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नीतियों के तहत स्मॉल फ्लैट 2006 पुनर्वास योजना के तहत 2023 धनास चंडीगढ़ में 8,448 मकान झुग्गी झोपड़ी के मजदूरों के लिए बनाए गए थे ताकि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। कांग्रेसी नेता धर्मवीर सिसोदिया ने बताया कि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन कुमार बंसल जी के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा गरीब मजदूरों को चाबियां दी गई थी, लेकिन कुछ शरारती तत्व नींव पत्थर पर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम मिटाना चाह रहे हैं। इसकी धनास कांग्रेस घोर निंदा करती है। धनास जनमानस ने नींव पत्थर को साफ करके ये कहा कि नाम मिटाने से विचार नहीं मिटेगा, ये भारत की जीवन शैली है। देश में दो विचारधारा काम करती है, एक जो देश तोड़ना चाहती है और एक जो देश को जोड़ना चाहती है। ये उसी विचारधारा के लोगों का काम है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल जी द्वारा गरीब मजदूरों के लिए काम किए हैं, सत्ता पक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो इतिहास बदलेगा नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन से अपील करते हैं कि इस नींव पत्थर का रख रखाव किया जाए। अगर चंडीगढ़ प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो धनास कांग्रेस अपने ही भारत देश की विरासत का रख रखाव करने में सक्षम है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के सचिव मंजूर खान, महेंद्र राजभर देवराज जी, एस मौर्य, आरिफ शुभम, दिनेश राणा, लालता प्रसाद, राजकुमार, ब्रजेश आदि मौजूद रहे। नीतियों के तहत माननीय पवन कुमार बंसल के कार्यकाल में ये 8,448 मकान स्लम फ्री स्कीम 2006 के तहत अलाट किए गए थे झुग्गी बस्तियों वालों के लिए, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। लेकिन आप ये देखो, जो विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है, दो विचारधारा देश में काम कर रही है, एक देश को जोड़ने वाली, एक तोड़ने वाली। तो उन्होंने ये इस बोर्ड को, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था, यहाँ के लोगों को चाबियाँ दी थी और उन्होंने उनका नाम मिटाने की कोशिश की है। और जो लोग सत्ता में हैं इस समय, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने गरीब मजदूर या किराएदार हों या कोई भी यहाँ पे चंडीगढ़ जिसके पास अपना मकान ना हो, उनके लिए एक मकान भी अभी तक कोई बनाया नहीं है। और जो मकान कांग्रेस के समय बने हुए थे मलोए में, अगर वो भी दिए हैं तो 3,000 किराए भी दिए हैं। और जो कांग्रेस ने काम किया है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जीता जाता नमूना ये है। और हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता तुरंत इकट्ठा हुए हैं इस करके, ताकि हम इसे साफ करें। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो थाना सहारनपुर, उनको कंप्लेंट दी जाए यहाँ की, ताकि ऐसा काम दोबारा ना हो। और 15 धनास में ये मनमोहन सिंह जी द्वारा हमें आवंटित किए गए थे 8,448 मकान। कुछ गरीब लोग जो है यहाँ पर, उन्होंने क्या करा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो कांग्रेस का इतिहास है, जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है, उन्होंने मिटाने की कोशिश की। ये जो गरीब लोग हैं यहाँ के, पहले तो ये काम करते सुन ले, अगर भैया इतिहास नहीं पता है तो कांग्रेस का इतिहास पूछ लो कि कांग्रेस ने कितना गरीबों का साथ दिया है, रोजी रोटी से लेके रोजगार से लेके घर तक हमें दिए हैं। ये हमारे आसपास और सबको पता होना चाहिए। आज हम कांग्रेस जितने भी भाईजन इसलिए खड़े हैं ताकि इन्हें हम बताएं, अगर यही वोट अगर मनमोहन सिंह का है, आप लोग सरकार हरकत में नहीं आ रही है, ना वार्ड का यहाँ कोई चुनिंदा पार्षद ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। हम कम से कम इसकी मांग करते हैं, ये जो जर्जर हालत हो रखी है इनकी, ऊपर से जो मिटाए गए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और कम से कम इनके मेंटेनेंस का हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन ध्यान दे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।